हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास है वो 17वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है हम लोग बुक से जो है पढ़ेंगे, ठीक है, बुक के माध्यम से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि बीपीएससी में जो है पूछा गया है। ये सभी के सभी जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ये जो है कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन जो है इस माध्यम से हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अल्मीडा। यानी कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वो भारत में अल्मीडा हुआ था। ठीक है, अल्मीडा यानी कि जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका भारत आगमन जो है 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, और ये जो है 1505 ईस्वी में ही भारत पहुँचा था। ठीक है, अब है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है ये पुर्तगाली करता था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है बताइए अंग्रेज जो है, ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से, अच्छा इसमें से कौन सा वो अंग्रेज था जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। उस अंग्रेज का नाम क्या है जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस। इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस, यानी कि हॉकिंस जो है, हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। ठीक है, तो हॉकिंस के बारे में जानिए, हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। हॉकिंस जो था दोस्तों वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, तो ओवरऑल आप जो है याद रखिए कि जहांगीर जो है हॉकिंस को जो है खान की उपाधि दी थी। अब है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, भारत में 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, भारत में 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, भारत में 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया था। अब है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया, तो सर थॉमस रो जो है भारत आया था जहांगीर के समय में। ठीक है, किस मुगल शासक के समय में जो है सर थॉमस रो भारत आया, तो सर थॉमस रो जो है जहांगीर के समय में जो है भारत आया था। ठीक है, सर थॉमस रो जो है जहांगीर के समय में जो है भारत आया था। अब है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1632। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित 1632 में किया। ओके, अब है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था।
सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है वो कौन मुगल शासक था जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, यानी कि औरंगजेब जो है वो पहला मुगल शासक था जो सबसे पहले जो है सबसे प्रथम मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब जो है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, ओके, मुगल शासक में। अब है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है तात्कालिक कारण जो है वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अब है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ। ठीक है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये जो है लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। ठीक है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोवले के स्थान पर हराया था? स्वावली के स्थान पर जो हराया था। ठीक है, स्वावली, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, देख लीजिएगा, स्वावली नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर जो है हराया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों थॉमस बेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ठीक है, तो आज के सेशन में 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, फिर जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो और भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।